छात्र छात्राओं को नमस्कार। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कबीर का परिचय और उनके छह दोहों के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम इस वीडियो में संक्षिप्त सा परिचय उनका फिर से मैं दे दूं कि संत कबीर जो थे वो समाज के सृष्टा और दृष्टा में से थे। वो एक अच्छे समाज सुधारक थे, एक कवि थे, और जैसा कि आपको पता है कि वो संत परंपरा के थे और वो निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो जैसे कि हमने वहाँ पर छह दोहों को देखा, आपके पाठ्यक्रम में और जो चार दोहे हैं उनको हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो सातवां दोहा है वो है, सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारणे चारों धारी देह। तो आपने देखा होगा कि सरवर मतलब सरोवर और तरवर मतलब पेड़। आपने अगर कभी देखा हो कि क्या आपने कभी देखा है कि पेड़ अपने फल खुद खा लेता है, सरोवर अपना पानी खुद पी लेता है? कभी ऐसा नहीं होता। तो ये सारी चीजें परमार्थ के लिए ही इन्होंने अपना शरीर धारण किया है। तो चाहे वो सरोवर हो या फिर तरोवर हो, कहा भी गया है संस्कृत में कि परोपकाराय फलंति वृक्षः, मतलब केवल और केवल परोपकार करने के लिए, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही इन चीज़ों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता बल्कि सभी प्राणियों की प्यास बुझाने के लिए होता है। उसी तरह से तरोवर अपना फल खुद नहीं खाता बल्कि दूसरों की भूख प्यास मिटाता है। तो सरोवर प्यास मिटाता है और तरोवर है हमें अच्छे अच्छे फल खाने के लिए देता है। और उसी तरह से संत जन जो होते हैं वो अपनी वाणी से दूसरों के हृदय में भक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। संत जन दूसरों की बुराई से नहीं डरते बल्कि लोगों पर अच्छाई ही करते हैं, लोगों के कल्याण की कामना ही करते हैं और परमार्थ के लिए ही जीते हैं। और उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो बारिश होती है वो, कभी आपने देखा है कि बारिश केवल अच्छे लोगों पर हो रही है, बुरे लोगों पर नहीं हो रही, या फिर किसी एक घर पर कोई दुभांत वहां पर हमें दिखती है? ऐसा नहीं होता। बारिश जो होती है मेह, बारिश मतलब मेह, तो मेह भी सभी पर समान रूप से उपकार करता है। तो इसी कारण यहाँ पर कहा गया है कि ये जो प्राकृतिक जितनी भी संपदा है, चाहे वो सरोवर हो, चाहे वो तरोवर हो या फिर संत जन हो, जो अच्छे जो सज्जन होते हैं वो, या फिर हम कहें कि जो बारिश होती है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल और केवल लोगों की मदद के लिए, परोपकार करने के लिए ही शरीर धारण करती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने परोपकार का महत्व बताते हुए ये बताया है कि अच्छे लोगों की पहचान ही ये होती है कि जो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये गाना भी बहुत आपने सुना होगा, पुरानी फिल्म का गाना, कि जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन दूसरों की मदद के लिए जीना ही सच्चा जीना है और वही मनुष्यता की पहचान है। ठीक है, तो ये हो गया एक दोहा जो आपका सातवां दोहा है। अब हम चलते हैं आठवें दोहे। दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीसा खाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने खंडन मंडन पद्धति अपनाई कबीर ने, और जो धर्म, जो प्रधान धर्म थे तत्कालीन समाज में, कहिए कि जो प्रधान धर्म थे, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, दोनों की अच्छी बातों को शिरोधार्य करने का उन्होंने जो है सभी को एक तरह से लोगों से कहा कि जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें शिरोधार्य करिए और जो बुरी बातें हैं उसकी ओर उन्होंने इशारा करके उसका खंडन किया। तो खंडन और मंडन पद्धति उन्होंने अपनाई और बाह्याडंबर, चाहे किसी भी धर्म में जो व्याप्त बाह्याडंबर है उसका विरोध करने का वहां पर उन्होंने संदेश दिया या फिर संकेत दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि दुनिया कितनी पागल है, बावरी मतलब पागल, कि दुनिया के लोग इतने पागल हैं कि वो प्रभु को खोजने के लिए या उस परमात्मा की खोज में जो है पत्थर को भी पूजने लगते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने विग्रह आराधना जो होती है उसका विरोध भी किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहा कि
दुनिया जो है इतनी पागल है कि वो विग्रह जो पत्थर होता है उसकी पूजा करती है और उसी में भगवान का स्वरूप मानकर उसको तो पूजती रहती है, लेकिन घर में जो पत्थर है, घर का जो पत्थर है मतलब जो चक्की है जिसका कि पीसा हुआ हम रोज खाते हैं, जो हमारी भूख प्यास मिटाती है, जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी इतनी कामगर है, हमारी इतनी मदद करती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस चक्की को तो नहीं पूजते, लेकिन यहाँ वहाँ भटकते हुए दूसरे पत्थरों को पूजते फिरते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने ये संकेत दिया है कि ईश्वर का वास हमारे अंदर ही होता है और हमारी मदद के लिए जो भी चीज़ हमारे सामने उपस्थित है वो पूजनीय है। ठीक है, तो ये एक और दोहा हो गया, उनका आठवां दोहा। तो अब नवे दोहे पर चलते हैं। जिहि घट प्रीति न प्रेम रस, पुनि रसना नहीं नाम, ते नर इस संसार में उपजी पए बेकाम। देखिए यहाँ पर नाम स्मरण का कि रसना, रसना मतलब जीभ पर जिनके ईश्वर का नाम नहीं होता, जो ईश्वर स्मरण नहीं करते अपने जीवन में, या फिर उन्होंने क्या कहा है, जिहि घट प्रेम, ठीक है, जिहि घट प्रीति न प्रेम रस। तो जहाँ पर जिसके हृदय में, घट मतलब हृदय में, तो जिस भी इंसान के हृदय में प्रेम रूपी तत्व नहीं होता, दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति आप कहें दया, ये गुण नहीं होते, और जिसके अंदर मानवता के गुण मतलब प्रीति और प्रेम जो होता है वो मानवता से संबंधित होता है, तो मानवता जिसके अंदर नहीं होती, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति, कोई अगर दुखी है उसके प्रति हमारे मन में दया नहीं उपजती, तो और दूसरे प्राणियों के प्रति हमारे अंदर प्रेम या अनुराग की भावना नहीं है, और जिसकी जीभ पर, रसना मतलब जीभ, जिसके जीभ पर भगवान नाम स्मरण नहीं होता, तो ऐसा इंसान संसार में जन्मा हुआ उसका ये जो जन्म है वो व्यर्थ है। ठीक है, पए बेकाम मतलब बेकार है, उसका जीवन ही बेकार है। तो ऐसा इंसान अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता कि जो कि प्रेम की भावना अपने हृदय में नहीं रखता, अनुराग की भावना अपने हृदय में नहीं रखता, दया का भाव अपने हृदय में नहीं रखता, और जो भगवान का स्मरण नहीं करता, तो ऐसा इंसान उसका जीना भी कहीं ना कहीं उन्होंने व्यर्थ माना है कबीर ने। ठीक है, अब हम चलते हैं उनके दसवें दोहे पर, जो है, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। देखिए यहाँ पर शील का अर्थ होता है जो चरित्रवान व्यक्ति है, जिसका शील अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है। आपने अंग्रेजी में भी कहावत सुनी होगी कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मतलब चरित्र का या शील का इतना बड़ा स्थान है मानव जीवन में कि अगर आपका चरित्र अच्छा होता है, आपके अंदर अच्छे गुण होते हैं, तो जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आपको सम्मान ही मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा शीलवंत सबसे बड़ा, तो जीवन में उन्होंने कहा कि शील जो होता है, जो चरित्र होता है उसकी, एक सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो, उसका जो शील होता है, उसका जो चरित्र होता है वो इतना बड़ा होता है, इतना अच्छा होता है कि वो जहाँ भी जाए और उसका जो है आदर ही होता है। सब रत्नों की खान मतलब रत्नों से भी, देखिए आप क्या, आपका कितना बड़ा पद है, कितनी बड़ी कितने पैसे हैं आपके पास, कोई नहीं देखता। मतलब कोई ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करता कि करोड़पति तो हैं आप, लेकिन वहाँ आपके अंदर जो है अभिमान है, अहंकार है, तो कोई आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ कहा कि सारे रत्नों को एक जगह रख दिया जाए और आपके शील को एक जगह रख दिया जाए, तो आपका शील अगर अच्छा है तो शील जो है बिल्कुल रत्नों की खान के समान है। जिसके अंदर अच्छे गुण हैं वो गुण जो है रत्नों से भी अनमोल है, रत्नों से भी बढ़कर हैं। और तीनों लोकों की संपदा जो है वो भी एक चरित्रवान इंसान के आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने चरित्र का जो महत्व है उस पर प्रकाश डाला है, उसी को यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो कबीर के हमने 10 दोहे देखे, आशा है कि आपको सारे दोहे समझ में आ गए होंगे, और अगर ना आए हों तो आप फिर से एक बार जो है वीडियो को देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कुछ बाकी आपको कुछ ना समझ में आता हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।